चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के आचार संहिता उल्लंघन की सी विजिल ऐप पर अब तक 15,000 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कुल मिलाकर 15,222 शिकायतें मिली हैं। इनमें से सही पाई गई 5,757 शिकायतों में अधिकांश का निराकरण किया गया है, तो वहीं 8 शिकायतों पर जांच और निर्णय की कार्रवाई जारी है। जयपुर में सबसे ज्यादा 2,310 शिकायतें मिली हैं, तो वहीं सही पाई गई 908 शिकायतों में अधिकांश का निराकरण किया गया है। 2 शिकायतों पर जांच और निर्णय की कार्रवाई जारी है। तो देखिए, सी विजिल ऐप जो कि लॉन्च किया गया था इसीलिए कि आचार संहिता लगने के बाद अगर कहीं पर इसका उल्लंघन पाया जाता है तो बाकायदा आप वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं, एज अ प्रूफ फोटो के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं और अपनी बातों को लिखकर भी शिकायत आप कर सकते हैं कि यहां पर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। उसके बाद उन उल्लंघन पर कार्रवाई के साथ साथ उसका निराकरण भी किया जाएगा। और इसी कड़ी में कई शिकायतें मिली लोगों के द्वारा और इससे यह भी पता चलता है कि लोग कितना अलर्ट हैं। लोकतंत्र का उत्सव होता है चुनाव और चुनाव से पहले आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इस पर चुनाव आयोग की पूरी नजर रहती है और खास तौर पर इस बार लोगों की सहायता भी ली गई कि अगर आपको लगता है कहीं पर आचार संहिता के दौरान प्रचार किया जा रहा है, बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं या फिर कोई सामग्री बांटी जा रही हो, कहीं धन का उपयोग तो नहीं हो रहा है, अगर इस तरीके से कहीं पर नियमों का उल्लंघन आपने देखा हो तो आप सी विजिल ऐप पर जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। और हमने देखा कि कई लोगों की तरफ से किसी ने वीडियो पोस्ट किया तो किसी ने फोटो पोस्ट की, किसी ने अपनी बातों को लिखकर शिकायत की।